अस्सलामुअलैकुम नर्सरी क्लास, आज हम अपने उर्दू खुशखती का सफ़ा जिस पे हर्फ से लिखा हुआ है उसकी मशक करेंगे और उर्दू गुलाब की किताब पे हम बे से लेकर से तक तमाम हरूफ की दोहराई करेंगे। हम अपनी उर्दू गुलाब की किताब पे हर्फ से पढ़ चुके हैं। से की आवाज़ क्या होती है? स। से की आवाज़ क्या होती है? और से बनने वाली चीज़ के नाम क्या पढ़े थे हमने? से समर, से समर। और से के ऊपर कितने नुक्ते? से के ऊपर तीन नुक्ते। से के ऊपर तीन नुक्ते, पहले हम दो नुक्ते बनाते हैं और उसके ऊपर एक और नुक्ता बना, कितने नुक्ते बना देते हैं? तीन। इस तरह से एक दो तीन। से की लिखाई कहाँ से शुरू करते हैं? दाएं जानिब से, जहाँ पे ये तीर के निशान बन रहे हैं यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस जगह पे हम से लिख देंगे। हम पूरे सफ़े पे से लिख देंगे और जो से समर बना हुआ है इन समर में हम अच्छे से रंग भरेंगे और आपने जिस तरह नुक्ते बनाने बताए हैं आपको वैसे ही नुक्ते लगाते जाएंगे। से समर जी। तो उर्दू गुलाब पे हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ पे हरूफ लिखे हुए हैं बे पे ते टे से, वो साथ तस्वीर बनी है। बे से बंदर, पे से पेंसिल, ते से तितली, टे से ट्रक, से समर। अब बे जो है, बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे तीन नुक्ते, ते के ऊपर दो नुक्ते और टे के ऊपर तोएं और से के ऊपर तीन नुक्ते। बे और पे के नुक्ते कहाँ हैं? नीचे हैं। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे तीन नुक्ते और ते और टे और से की जो चीज़ें हैं वो कहाँ हैं? ऊपर। टे के ऊपर दो नुक्ते और टे के ऊपर तोएं होती है वो ऊपर ही होती है और से के ऊपर कितने नुक्ते हैं? तीन नुक्ते कहाँ हैं? ऊपर। और ये चीज़ें कौन कौन सी हैं? बंदर, ब ब से बंदर। बंदर की शुरू की आवाज़ क्या है? पे। फिर क्या है? पेंसिल, प पेंसिल। पेंसिल की शुरू की आवाज़ क्या है? पे। फिर अगली तस्वीर है तितली, त त तितली। तितली की शुरू की आवाज़ क्या है? ते। फिर है ट्रक, ट ट ट्रक। ट्रक की शुरू की आवाज़ क्या है? टे। ओके, जो अगली तस्वीर है उसका नाम है समर, स समर। समर की शुरू की आवाज़ क्या है? से। जितने भी हरूफ लिखे हुए हैं बे पे ते टे से, जहाँ से तीर का निशान शुरू हो रहा है वहाँ से आपने इसको लिखते जाना है और आपने सफ़े को इसी तरह मुकम्मल करना है। बे के नीचे जितनी दफ़ा जगह है बे लिखना है, पे के नीचे पे, ते के नीचे ते, टे के और से के नीचे टे, टे और से लिखना है और नुक्ते लगाते जाना है जी। तो आगे क्या करना है? जो तस्वीर बनी है इनमें क्या करना है? हमने रंग भरने हैं, इन सब तस्वीर में रंग भरने हैं और इन तस्वीरों में रंग भरना है के बाद हमने क्या करना है कि उनकी शुरू की आवाज़ क्या है उसके मुताबिक नुक्ता लगाएंगे ताकि वो हर्फ हमेशा समझ आ जाए कि क्या हर्फ है। जैसे ये सबसे पहले जो तस्वीर बनी है वो है बत्तख, बत्तख। बे से शुरू होती है बत्तख, तो इसलिए यहाँ बे लिखा हुआ है। बे की नीचे एक नुक्ता होता है तो एक नुक्ता नीचे लगा दे तो क्या बन गया? बे। तो इसी तरह अगली तस्वीर को देखेंगे और देखेंगे क्या नुक्ता लगाएँ ताकि वो हर्फ बन जाए। अगली तस्वीर का नाम है पतंग, प प पतंग। पतंग की शुरू की आवाज़ क्या है? पे। क्या आवाज़ है? पे। तो पे जो हम कैसे लिखते हैं? तो शक्ल तो उसकी बनी है, नुक्ते कितने होने चाहिए पे के? तीन नुक्ते। पे के नुक्ते कहाँ होते हैं? नीचे। कहाँ होते हैं? नीचे। तो हम कितने नुक्ते लगा देंगे? तीन नुक्ते, एक दो तीन जी। अगली तस्वीर है तितली, तितली। त त तितली। त आवाज़ किसकी होती है? ते की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? कितने नुक्ते लगाएंगे ताकि ते बन जाए? ते के कितने नुक्ते होते हैं? दो। कहाँ होते हैं? ऊपर। ते के ऊपर दो नुक्ते, एक दो, क्या बन गया? ते। उसके बाद है ये ट्रक, ट्रक पे हम क्या करेंगे? तोएं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तोएं जी। ट ट ट्रक। उसके बाद तस्वीर है एक अंडा टूटा है और एक अंडा क्या है? साबित। साबित की आवाज़ क्या होती है? स। स आवाज़ किस हर्फ की होती है? से की। तो से हमने सीखा था ना,
से के ऊपर तीन नुक्ते, से के ऊपर तीन नुक्ते, एक दो तीन, पे के नीचे एक नुक्ता, ते के ऊपर दो नुक्ते, पे के नीचे तीन नुक्ते, से के ऊपर तीन नुक्ते, बे पे ते टे से।